जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 2021 की, इसके बारे में कि इसकी नोटिफिकेशन क्या मई में आएगी। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में देश में वापस फिर से दो तीन दिन चार दिन से जो कोरोना के आंकड़े दबा के बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एग्जाम जैसे बोर्ड क्लासेस के जो एग्जाम थे वो भी पोस्टपोन कर दिए गए, कुछ कंपटीशन के एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए गए। अभी कुछ ही दिन पहले एयरफोर्स के एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे, नेवी के भी एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे। यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनको कर दिया गया है, यानी कुछ समय बाद एग्जाम लिए जाएंगे, उनकी भी फिक्स डेट नहीं दी है। आर्मी के भी बहुत सारे स्टेट में जो रैली आर्मी भर्ती चलती थी उसके भी एग्जाम को 20-20 दिन 25-25 दिन अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्टपोन कर दिया है। और जैसे सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है उसमें बच्चे भी चाहते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि जब वीकेंडली लॉकडाउन लग रहा है बहुत सारे स्टेट में, तो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो संडे के आसपास हो रहे हैं ज़्यादातर, तो कंडक्ट कर रहे हैं संडे को, और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंच नहीं पा रहे हैं, या उनको डर भी है कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से। आप सभी को पता है कि कोरोना की जो अभी लहर है वो बढ़ती जा रही है, अपने पग फैला लिए इसने बहुत ज़्यादा, तो अगर आप भी सावधान रहिए। और इसके चलते बहुत सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि सर क्या नोटिफिकेशन डिले हो जाएगी, क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्या मई के फर्स्ट वीक में आएगी या नहीं आएगी। अब वापस से बच्चे चिंतित होने लगे हैं नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि ये जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं या जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, उनको जब भी ऐसी खबर मिलती है बहुत ही बुरी खबर होती है बच्चों के लिए। बुरी खबर कैसे होती है कि जब भी कोई बच्चा मान लो किसी भी की ऐसी न्यूज़ सुनेगा कि उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए वैकेंसी की, तो उसको पता अगर उसके हुए हैं तो मेरे वाले कौन से करा देंगे। लगता सीधी बात, जैसे सीएचएसएल के चल रहे थे पोस्टपोन होंगे, पोस्टपोन हुए नहीं अभी तक, लेकिन वो बच्चे भी चाहने लगे अब, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है बहुत ज़्यादा स्टेट में, जैसे दिल्ली महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। ठीक है, तो हालात को देखते हुए एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से मतलब बहुत सारे स्टेट में, और बोर्ड के एग्ज़ाम थे या क्लासों के जो एग्ज़ाम थे, आर्मी रैली भर्तियों के जो एग्ज़ाम थे, टीए वैकेंसी होने वाली थी, वो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ थी जो पेंडिंग में मतलब अभी भी पड़ी है, उनको कम्पीट कराने के लिए गवर्नमेंट फोर्स भी नहीं थी। क्यों, देश का हाल अभी कोरोना की वजह से काफ़ी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चों को तो इसके लिए अब चिंतित होने लग गए, क्या सर एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आएगी मई में या नहीं आएगी। अब कमेंट आने शुरू हो गए वापस, क्योंकि मई के अब थोड़े से दिन बचे हैं, क्या फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, बिल्कुल नोटिफिकेशन आपकी मई में आ जाएगी। ये जो लॉकडाउन लग रहा है ये अब इस प्रकार से लगेगा, लॉकडाउन जो भी लग रहा है जितने भी स्टेट में लग रहा है, वो चाहते हैं कि काम भी चलता रहे और लॉकडाउन भी कहीं ना कहीं उसकी पालना हो, उसके नियमों की पालना कराई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी या भर्तियाँ नहीं आएगी या काम नहीं होगा। जैसे आर्मी के जो पेपर पोस्टपोन हुए 25 दिन पोस्टपोन किए गए, ठीक है, और भी जो बोर्ड के पोस्टपोन हुए उनको भी एक एक महीने के आसपास पोस्टपोन किए गए, और भी कई स्टेट जैसे एयरफोर्स के भी पोस्टपोन हुए 25 दिन के आसपास पोस्टपोन हुए। तो जितने भी एग्ज़ाम आगे डेटें बढ़ रही है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोरोना काफ़ी पग फैला रहा है, तो इसीलिए। लेकिन आपको ये नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी दोस्तों, भर्ती आएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है, नोटिफिकेशन आएगी। आपको अपनी तैयारी में जोर रखना है, नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगी मई में, मई के महीने में फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों, 2-3 तारीख के आसपास आपको नोटिफिकेशन पक्की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी ने जब आपको दिया है तो नोटिफिकेशन भी दे देंगे। अगर उनको पोस्टपोन करना होगा तो वो एग्ज़ाम को कर देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन अब डिले नहीं होगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगी आपके सामने, भर्ती भी पता चल जाएगी कितने पोस्टों की वैकेंसी हो रही है, कब कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, वो पूरी डेटें दी जाएगी। और हाँ, फॉर्म भरने के लिए इस बार जरूर डेट लंबी होगी, टाइम जो दिया जाएगा वो ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट रहेगी डेढ़ महीने से प्लस रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 45 दिन से भी ज़्यादा का समय आपको मिलेगा इस बार फॉर्म अप्लाई करने का। उसका रीज़न ये है कि इमितर या रोजगार सेंटरों पर भीड़ ना हो, आसानी से पेपर भर सके, मतलब पूरा डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। इसीलिए दोस्तों नोटिफिकेशन आएगी मई के महीने में, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, निराश और हताश इंसान ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, ठीक है, निराश और हताश इंसान ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए निराश नहीं होना है, ना ही हताश होना है। जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी तैयारी बस शिखर पर रखिए, अच्छे से रखिए, नोटिफिकेशन मई में आ जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मतलब ये अब उनको लग रहा है कि क्या कहीं नोटिफिकेशन आएगी डिले, तो दोस्तों एग्ज़ाम ज़रूर आगे पीछे हो जाएंगे अगर कोरोना की स्थिति रही तो, मेरे ख्याल से रहेगी नहीं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मजबूती से पकड़ते जा रहे हैं। तो हाँ, केस भले ही अभी बढ़ रहे हैं, तो 5-10 दिन 15 दिन का ऐसा लॉकडाउन अगर कहीं होता भी है, लेकिन एग्ज़ाम भी होंगे, सब काम धीरे धीरे जैसे सुचारू रूप से एक बार चलें देश में, वापस आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि इसकी बीमारी का इलाज भी होने लग गया है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन भी आएगी और आपको तैयारी भी रंज के करनी है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। वैकेंसी की तो आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं कि सर ऐसे बता रहे हो, वैकेंसी तो आएगी आएगी, इसमें तो शक नहीं है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसीलिए आपको तैयारी करना है, दबा के तैयारी करना है, नोटिफिकेशन का आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बस अपनी तैयारी में जान डाल दीजिए।
ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार की तैयारी करिए तो 100% वैकेंसी भी आएगी, एग्ज़ाम भी होंगे और भर्ती भी होगी, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। और अभी से तैयारी करिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करिए, बाकी नोटिफिकेशन आपकी मई की फर्स्ट वीक में आ ही जाएगी दोस्तों।